क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल, मैं हूँ दीपक। मैं बोलने वाला था, मैं कहा बोलोगे अब बोलोगे। तो अब हम आज फिर से एक और वीडियो लेके आए जिसके अंदर ये बताया गया है कि बॉलीवुड के अंदर पाकिस्तान के सॉन्ग कॉपी होते हैं। वो होते हैं, वो तो हमें पता है कॉपी है, या तो मूवीज भी कॉपी होती है, बट साउथ की बॉलीवुड के अंदर। तो यही भी एक वीडियो उसी में से निकाली है हमने। तो आप भी देखो, हमें तो देख चुके हैं हम। तो ये है इंडियन म्यूजिकन या फिर देसाई कॉकपिट। तो पाकिस्तान सुजा है सॉन्ग जो भी है, तो यार देखते हैं क्या है, कौन सा सॉन्ग इन्होंने कॉपी किया। इस बार कुछ नया कॉपी किया इन्होंने, कुछ नया बनाया गया, नया कॉपी किया। वीडियो स्टार्ट करें जी। आसिम रियाज के नए गाने पे लग गया है कॉपीराइट। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फ्लैश 24। मैं सौमित्रा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खास वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, आसिम रियाज का एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है पीआरए पिया, जो दो ही दिन पहले रिलीज हुआ है और वो काफी अच्छा भी चल रहा है, पर उस गाने पे आ चुका है कॉपीराइट। हाँ गाइस, पाकिस्तानी सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर सुजा हैदर ने ये कहा है, गाना उनके ओरिजिनल गाने बागी से कॉपी किया गया है, जो कि एक्चुअली एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो लेट कनोल बालोच पे है। तो वहाँ पे सुजा हैदर ने अपने ट्विटर हैंडल को यूज करते हुए कहा कि इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर यसीर देसाई एंड राशिद खान हैव कॉपीड द ओरिजिनल सॉन्ग बागी एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ इट, एब्सोल्युटली नॉट। तो गाइस, यहाँ पे उन्होंने सीधी सीधी क्लेम कर दी है और उन्होंने कहा है कि अगर ये गाना वो नहीं हटाते या प्रॉपर जो चीजें होती है प्रोसीडियर वो नहीं देते हैं, तो वो इस गाने पे कॉपीराइट क्लेम लगा देंगे। फैंस का भी बहुत तगड़ा रिएक्शन आ चुका है गाइस, क्योंकि जितने भी इंडियन फैंस है उन सबने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए सुजा हैदर का ही सपोर्ट में उन्होंने कहा कि प्लीज अपना ओरिजिनल मास्टरपीस लाओ, किसी दूसरे के मास्टरपीस को चोरी मत करो, और अगर कर भी रहे हो तो प्लीज उसको वो क्रेडिट दो। और बहुत से लोगों ने इवन सुजा हैदर को भी डीएम किया है। उन कुछ फैंस के रिएक्शन मुझे सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, मैं आपको आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि। और इवन सुजा हैदर भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो इंडियन फैंस है जो उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो बातें एब्सोल्युटली सच है, क्योंकि उनकी ये ओरिजिनल जो गाना है ना वो आज से 4 साल पहले ही रिलीज हो चुका है पाकिस्तान में। सो उसका विदाउट परमिशन द एक्चुअल जो ओरिजिनल सिंगर कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर है उनसे बिना परमिशन लिए उस गाने का लिरिक्स को थोड़ा सा इधर से उधर करके सेम ट्यून सेम म्यूजिक पे रिलीज करना सरासर गलत बात है। तो सुजा हैदर, ये हम भी आपके साथ है और हम रिक्वेस्ट करते हैं राशिद खान और यसीर देसाई से, प्लीज काइंडली आप या तो अपना ये सॉन्ग डिलीट करवा दो या जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो है आप सुजा हैदर जी से अपना बनाओ, ये सारे सॉर्ट आउट कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि उस बंदे की मेहनत की, उसने मेहनत किया और आपने उसकी उस मेहनत को चोरी किया। सो ये सरासर गलत है। सो हमारी रिक्वेस्ट है यसीर देसाई और राशिद खान से, प्लीज आप बात करो और चीजों को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें सिर्फ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात पे नहीं आ जाती है, अब तो ये इंडिया पे बात आ चुकी है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप सॉर्ट आउट कर लो। सो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमें तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये तो होता ही है बॉलीवुड के अंदर। गाना तो चलो छोटी सी चीज है, या तो पूरी की पूरी मूवी कॉपी हो जाती है, पूरी टू कॉपी, मतलब ये भी नहीं देखते, कुछ तो अपना दिमाग लगा लो। सिर्फ हीरो चेंज होते हैं, और जो साउथ में जिस बंदे ने वो कहते वो डायरेक्ट कर रहा होता है बॉलीवुड चलता है यहाँ तो बॉलीवुड के अंदर। मैं तो कब से कोई फिल्म देखी भी नहीं है बॉलीवुड की काफी टाइम से, तो ठीक है यहाँ तो चलता ही है, काम यही है इनका, अपना कुछ भी नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो बता दो, लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को। और क्या था, कोई वीडियो पे रिएक्शन देना हो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, कमेंट में जाके हमें शेयर कर देना ताकि हम उस पर बना सके और वीडियो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।